नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जल्द ही गुजरात में स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी दावेदारी दिखा रही हैं। और इसी कड़ी में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम धाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंची और ये सवाल किया कि क्या बीजेपी सरकार से खुश हैं, तो जनता ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। इसके साथ ही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो चुनाव जीते या हारे, वो लगातार जनता की सेवा करती रहेंगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जी हाँ, और भी काफी सारे लोग जुड़ गए हैं और मेरे साथ, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। परिवर्तन की भाषा चल रही है अभी, परिवर्तन चाहिए चाहिए चाहिए, गुजरात में परिवर्तन चाहिए और काफी परिवर्तन हम लोग ने दूसरी जगहों पर भी देखा। वो कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से त्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे जनता, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हकीकत में बीजेपी से तो त्रस्त हो ही चुकी है जनता, और जनता को अब परिवर्तन कंपलसरी चाहिए ही, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है वो बीजेपी पूरी करने में नाकामयाब रही है। हम जहाँ पे भी जाते हैं, बीजेपी ने आई थिंक खास लोगों की ही जरूरतें पूरी की है, जो मुझे लगता है। मैं जहाँ पे भी देखता हूँ, मेरे घाटवाड़ा स्थानिक स्वराज की चुटनी है, मैं खुद कॉरपोरेशन में भी हूँ, कॉरपोरेशन में जो चीज़ें होती है, मतलब लाइक रोड रट से पता नहीं किस रीज़न से खोद देते वो लोग, वो खुद हमें नहीं पता। जब हम पूछने जाते तो वो बोल रहे कि ऊपर से ऑर्डर आया, उनको खुद को नहीं पता कि किस रीज़न से वो खाड़ हम इसके रोड पे खड्डे खोदते हैं। पानी की समस्या है, नल से पानी कभी कभी गंदा आता है, कभी कभी आता ही नहीं है, वो सारी भी दिक्कत आती है। चौमासे के दिन में पानी भर जाता है, वाहन व्यवहार पूरा ठप भी हो जाता है, कभी कभी तो लाइट के भी चली जाती है। इतना शहर होने के बाद भी मुझके इस चीज़ों का सामना अगर हमें करना पड़े तो वो सत्ता किस काम की, जो मुझके पब्लिक की बेसिक नीड्स अब पूरी पूरी कर ना पाए। भाजपा सरकार कह रही है कि जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा था और कोरोना के बीच में किसी देश ने कोरोना वैक्सीन को नहीं बनाया, लेकिन भारत सरकार ने दो वैक्सीन बनाए, तो भारत सरकार वही श्रेय लेने जा रही है कि वैक्सीन हम लोग ने बनवाया है और पूरा श्रेय मोदी जी पे जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो बस खाली ऐसा ही है कि भाई वैक्सीन बनाते हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर दिन रात मेहनत करते हो, जाके मुआयना कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये वैक्सीन मैंने बनाई है। हकीकत में नो डाउट बनाई है वैक्सीन, लोगों ने ली भी है, किसी का आड़ असर भी नहीं है, वो चीज़ बेटर भी, इवन के मैंने खुद वैक्सीन ली हुई है और दो दिन मेरे को शायद बुखार था, उसके बाद नॉर्मल अभी चीज़ हो चुका है। वैक्सीन की चीज़ तो पूरी अलग ही है, अगर पूरे देश में पूरा वैक्सीनेशन अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो अपने भारत देश में ही हुआ है, वो चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो चीज़ बढ़िया हुई है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी क्यों चाहते हो आप? आम आदमी पार्टी सर, इसके जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में जो कार्य किए, वो कार्य अगर अहमदाबाद में शुरू हो गए, एक स्टार्टिंग बोलते हैं कि एक स्टार्टिंग गियर होता है, वो फर्स्ट गियर अगर अहमदाबाद में स्टार्ट हो गया तो पूरे अहमदाबाद गुजरात में भी शायद वो पूरा पर्चा देखने मिलेगा। शायद दिल्ली के सरकार ने जो वहाँ पे किया है वो अहमदाबाद से स्टार्ट होगा, शायद घाटलोडिया उसका बेसिक स्थल होना चाहिए। अभी 25 साल से बीजेपी सरकार ने घाटलोडिया में, हमारे एक स्कूल है, बहुत सी म्यूनसिपलिटी स्कूल है, वहाँ पे कोई इसके ऐसी व्यवस्था नहीं है कि स्कूल में इसके बंदे जाके स्कूल में जो बेसिक समस्या होती है, लाइक इसके पानी का समस्या है, टॉयलेट इवन के वो भी पूरा खराब होता है। सरकार वैसे बोलती है कि स्वच्छ भारत अभियान, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे चल रहा है। ठहर ठहरे वैसे कचरे के डिब्बे पड़े रहते हैं, कोई उस पर ध्यान देता नहीं है। हकीकत में हमारी जनता की भी समस्या है कि जनता कुछ बोलती नहीं, अगर बोलेगी नहीं तो सरकार तक पहुँचेगी कैसे, लेकिन सरकार तक पहुँचती भी है तो शायद उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे दिल्ली सरकार में काफी सारे सुधार देखने को मिल रहा है, आप आम आदमी पार्टी से क्या सुधार चाहते हो? मैं स्टार्टिंग बेस में तो यही सुधार चाहता हूँ कि स्कूल मेन जो हमारा भविष्य होता है वो बच्चों के इससे एजुकेशन पे डिपेंड होता है। अगर बच्चों का एजुकेशन परफेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली नींव का मजबूत होगी, नींव मजबूत होगी खुद में खुद देश आगे प्रगति करने में इसको कोई रोक पाएगा। लेकिन गुजरात सरकार तो बोल रही है कि हमने एजुकेशन में तो काफी तरक्की कर ली है, वो तो खुद आप देख ही रहे हो कि एजुकेशन में क्या प्रगति हुई है, स्कूलों की फीसें बढ़ती जा रही है, बच्चों के इसके एजुकेशन अभी बंद हो गए, प्राइवेट वाले खाली कमाते जा अपने जेब भरते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की जो बेसिक नीड्स है, गरीब लोग पैसे वाले और पैसे बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक खानगीकरण और सिर्फ सरकार की बातें हैं? जी सर, ऐसा कर सकते हैं अपने, क्योंकि खानगी सरकार के अगर म्यूनसिपालिटी स्कूल है, जो केजरीवाल ने जो दिल्ली में स्कूलें बनाई है वो प्राइवेट स्कूलों की भी आई थिंक टक्कर देती है, ऐसे सुने। इवन कि मैंने यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें सर्च मारी है, मैंने नॉलेज लिया, तो उसमें भी मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने मिली कि वो डेवलपिंग के स्तर पे बहुत हाई लेवल पे चला जा चुका है अभी, और ऐसी ही चीज़ें हमें अभी अहमदाबाद घाटलोडिया से स्टार्ट करनी है सर। तो खास करके जनता के बीच में क्या कहना, मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जनता के बीच में भाई यही कहना होगा कि एक मौका गुजरा आपने, फिर 25 एक मौका आपने 25 जो गुजरात ने, अगर एक बार आप स्टार्टिंग करो, बीजेपी को भी आपने एक बार स्टार्ट किया था, अभी आपको स्टार्ट करो, आम आदमी पार्टी को आप वोट दे तो एक बार उसको चुनो, अगर फिर अगर नहीं वो अपने वादों पे कामयाब रहती है तो आपके पास तो सत्ता है, आप कभी भी उसको हटा सकते हो। तो कहीं ना कहीं
परिवर्तन गुजरात में चाहिए। मैं प्रणोसी राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। जिस प्रकार आम आदमी आज बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने जा रही है, इस प्रकार से रैली अभी निकली है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो अमित शाह का विधानसभा, जो गृह मंत्री, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उनके विधानसभा से जो आम आदमी है, जो मुझे जुड़ गए हैं, वो लोग को भी एक परिवर्तन चाहिए, और मेरे साथ जुड़ गए वो लोग भी कहना चाहेंगे किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए। अभी तो हम आम आदमी पार्टी से परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन फुल फ्रॉम क्या क्या दिक्कतें हो रही है बीजेपी सरकारों से? बीजेपी में भी कुछ फायदा नहीं और कांग्रेस में भी कुछ फायदा नहीं। अभी तो पेट्रोल डीजल और सब महंगाई भी पूरी है, और टैक्स बिल सब नॉर्मल सिलेंडर। अच्छा, आप क्या बताना चाहते? क्या नॉर्मल सिलेंडर 330 रुपए का आता था, अभी 900 रुपए आने लगा, फिर सब्सिडी आने वाली कट हो गई, अब सब्सिडी आती नहीं है। लेकिन पीएम मोदी तो बता रहे कि सब्सिडी तो कंफर्म हम लोग नहीं आती। ये गलत चीज है, गलत है। पेट्रोल का रोज रुपया बढ़ता है भाई, जैसे काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं गुजरात में भी और इंडिया में बढ़ते हैं। अच्छा, कई साल से ये अच्छे दिन बोल के अभी गैस सिलेंडर का भी भाव बढ़ा दिया है, सिंग तेल, कपासिया तेल सब में महंगाई बढ़ा चुकी है। अच्छे दिन का बोल के ये बुरा दिन हम लोगों को मध्यम वर्ग को देखना पड़ रहा है अभी। लेकिन जो भाजपा सरकार है, यहाँ के जो भाजपा सरकार है, वो तो लगातार कहती आ रही है कि भाई हमने तो काफी विकास कर दिया है, हमारी जो गुजरात की जनता है वो कभी भी त्रस्त नहीं है, नहीं गरीब है। क्या कहना चाहेंगे? विकास सिर्फ पत्तों पे दिख रहा है, कहाँ शहरों में कोई विकास नहीं है, वैसे की वैसी परिस्थिति है अभी। मध्यम वर्ग की अभी दशा बहुत खराब है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल तो मेन चीज है, लोगों को घूमने फिरने के लिए पेट्रोल तो काफी चाहिए, वो लोग के जो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग तो भी बोल रहे हैं कि 100 रुपीज के ऊपर अभी गुजरात में भी पेट्रोल जा रहा है, तो किस क्या चाहते हो आप? अभी जो इलेक्शन है, क्या किसी को जिताना चाहते हो? अभी दिल्ली में जो चल रहा है ना, अभी केजरीवाल जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, ऐसा ही परिवर्तन हम चाहते हैं। दिल्ली वाली सरकार चाहिए सर, परिवर्तन चाहिए, अपने परिवर्तन चाहिए, जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल डोर टू डोर जाके सबका देखते हो, बस वैसी व्यवस्था इधर चाहिए हमको। जी हाँ, मामा भांजे की पैनल है। अच्छा, मामा भांजे की जो पैनल है, जो भाजपा, वो नहीं चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल सरकार लोगों के बीच में जाके उनकी परिस्थितियों को समझती है, इस प्रकार से गुजरात में भी परिवर्तन लेके जो आम आदमी पार्टी यहाँ पे विन होके आती है, तो वही आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाके परिवर्तन लाएगी और लोगों के बीच में जाएगी। मैं प्रणोसी राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। जी हाँ, काफी सारे और लोग भी जुड़ गए, जो जिस लोग को परिवर्तन चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आप भी गुजरात में हो और अहमदाबाद, जो अमित शाह, जो गृह मंत्री हमारे, जो देश के गृह मंत्री है, लेकिन फिर भी बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसे बता रही है कि हमने काफी सारे विकास के कार्य किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में रोष है कि विकास के कार्य कुछ भी नहीं है, त्रस्त हो गई है, हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की परिवर्तन चाहिए आपको? कौन सी पार्टी के साथ आप आना चाहते हो और परिवर्तन चाहते हो? देखो, अभी मुझे अगर मैं आम पब्लिक की बात करूं, तो मैं किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि हम सभी एक, मतलब एक आम पब्लिक है, हमें सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम होना चाहिए, जो हमारे एरिया से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए मीटिंग्स में हमारी जरूरतों को रखें, जैसे कि बेसिक हमारा जो बहुत बेसिक चीज़ है, जिसे हम 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो अभी हम यहाँ पे इस मकान पे रहते हैं, तो हमारी बेसिक्स नीड्स क्या है, उनको, उन सबको ध्यान में रखा जाए। अच्छा, तो परिवर्तन, जैसे कि काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हम लोग अहमदाबाद में भी, जो गुजरात का अहमदाबाद है, और अहमदाबाद में तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और काफ़ी सालों से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है, तो क्या परिवर्तन आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? परिवर्तन तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन नहीं हुआ है, बट उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्या अभी 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 जो गुजरात का जो करंट सिनारियो है, क्या वो फॉरेन कंट्री के सिटीज की मैच करता है? आप सबका जवाब क्या होगा? क्या क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से
उन्होंने काफी अच्छी बात बताई। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन आपको दिख रहा है क्या? कट करते जी। हाँ, मेरे साथ वचेता तरुणा जी जुड़ गए हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद से, जो नारायणपुरा इलाका है उनके, जो घाटलोड़ा इलाका बोला जाता है, जो अमित शाह जो गृह मंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका यहाँ पे दबदबा है और बीजेपी की सरकार जो है उनका जो मैन गढ़ बोला जाता है घाटलोड़ा नारायणपुरा सब इलाके वो लोग के अंडर में आते हैं, क्योंकि बीजेपी के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आम आदमी जो पार्टी है यहाँ पे कांटे की टक्कर देने जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आम आदमी जो लोग है, जो जनता है, उनके बीच में जाके आप किस प्रकार के कार्य करते रहेंगे? उनकी जो मुसीबतें होंगी, उनके जो कार्य नहीं हो पाते वो सब कार्य मैं करूंगी, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सब सॉल्व करूंगी। और ऐसे हमारे महिलाओं की ऐसी कितनी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पाती, वो मैं जीत के उनके प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। जिस प्रकार से काफी सारे कार्य है जो रोड रास्ते हैं और गटर लाइन के जो है काफी जनताओं को वही दिक्कतें होती रहती, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी बात भी एक सही है कि भाई हमारे यहाँ वोटिंग मांगने आप लोग आते हो और वोटिंग के बाद हमारा ये काम नहीं होता है, पर वो काम हम लोग जरूर करेंगे और 100% करेंगे, 100% हम ये काम करेंगे उनका। तो जिस प्रकार से बीजेपी सरकार काफी सालों से यहाँ पे है और बीजेपी का ही राज चल रहा है, बीजेपी क्या कार्य नहीं कर रही आपको दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी सीरियसली यहाँ पे विकास का कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? जैसे कि हम प्रचार करने हम एरिया वाइज जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, हमें पब्लिक ऐसे बोलते हैं भाई आप लोग वोट लेने आते हो पर हमारा ये कार्य आप करते नहीं हो, वोटिंग लेने के बाद हमारा ये काम होता नहीं। लेकिन सरकार में तो आप नहीं है ना, अभी तो फिलहाल आप कैंडिडेट हो, तो सरकार के बारे में बता रहे हैं ना जनता, तो कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार है लेकिन वो सरकार हमारा कार्य कुछ करती नहीं है, विकास कार्य तो सिर्फ बोला जा रहा है कि विकास हम लोग कर रहे हैं, ये सब हम बोल रहे हैं, वो जो हम लोग करेंगे उनके लिए और करके दिखाएंगे जीतेंगे। तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी यहाँ से जो कैंडिडेट हो वो जीतेंगे, अहमदाबाद की सीटों से हम लोग जीतेंगे, तो हम लोग जनता के बीच में जो कार्य अधूरे है, जो बीजेपी सरकार लगातार सिर्फ विकास के वादे किए जा रहे हैं, विकास होता नहीं है, विकास दिखता नहीं है, वो कार्य जनता के बीच में जाके हम लोग करेंगे और अवश्य करते रहेंगे। मैं प्रणोशी राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।